मेरा नाम है अमित और मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी है द लास्ट लीफ। वो हेनरी की लिखी हुई कहानी, ये उसका हिंदी रूपांतरण है आखिरी पत्ता। एक वॉशिंगटन चौक है जिसके पश्चिम में एक मोहल्ला है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के इधर उधर बिखरी हुई हैं। वहां की सड़कें तो अपना ही रास्ता दो तीन बार काट जाती हैं। इस सड़क के संबंध में कलाकार के मन में अमूल्य संभावना उत्पन्न हुई। यदि कोई कागज रंग या कैनवास का व्यापारी यहाँ पर तकादा करने आएगा तो उसकी अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाएगी और उसे एक भी पैसा वसूल किए बिना लौट जाना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच नामक विलेज में दूर दूर से कलाकार आकर बसने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी के मेहराबे, एक छत का कमरा और कुछ सस्ते किराए की तलाश में थे। बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टीन की तस्तरी लाकर अपनी गृहस्थी बसा ली। इसी मोहल्ले के एक मकान से तीसरी मंजिल पर सू एंड जॉन्सी का स्टूडियो था। सू जो मेन से आई हुई थी और जॉन्सी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुआ था। दोनों की कला रुचि और खाने पहनने में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। ये बात मई के महीने की थी। नवंबर का महीना आया और अपने साथ एक बीमारी लाया जिसे डॉक्टर लोगों ने निमोनिया नाम दिया। इस निमोनिया ने उस मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू कर दिया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने बीसियों की जान लेकर तहलका मचा रखा था, लेकिन इस पश्चिम की टेढ़ी मेढ़ी गलियों की जाल में इसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। अब कैलिफोर्निया की आंधियों में जिसका खून फीका पड़ जाता हो, ऐसी दुबली पतली लड़की का इस भीम काय भुक्कारते दैत्य से कोई सामना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। बेचारी जॉन्सी एक लोहे की खाट पर पड़ी रहती और खिड़की से बाहर की कोरी दीवार को देखती रहती। इस दिन जॉन्सी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर बोला, देखो इसके जीने की संभावना रुपए में 2 आने हैं, यानी कि बहुत कम, और वो भी तब यदि इसकी इच्छा शक्ति बनी रहे तो। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा नहीं रहती और वो मौत का स्वागत करने को तैयार रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। एक बात बताओ, क्या इसके मन पर कोई बोझ है? सोने कहा कि डॉक्टर साहब और तो कुछ नहीं, पर हाँ एक दिन नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की इसकी असीम आकांक्षा है। डॉक्टर ने कहा कि चित्र? अरे मैं ये पूछ रहा था कि क्या इसके जीवन में कोई आकर्षण भी है, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू की डंग सी चुभती आवाज में सोने कहा कि नौजवान पुरुष और प्रेम छोड़ो भी, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आधी बीमारी का जड़ तो यही है। खैर मेरी डॉक्टरी विद्या के अनुसार मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं किए बिना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात जान लो, जब कोई अपनी अर्थी के साथ चलने वाले लोगों की संख्या गिनने लगता है ना, तो उस पर दवाइयों का भी असर आधा हो जाता है। तुम्हें इसके मन में कुछ आकर्षण उत्पन्न करना होगा ताकि इसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो। डॉक्टर चले गए और सू अपने कमरे में आई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, उसने तो कई रुमाल निचोड़ने के काबिल कर दिया। उसने खुद को संभाला और अपना चित्रकारी का सामान उठाया और सीटी बजाते हुए जॉन्सी के कमरे में आ गई। जॉन्सी लेटी हुई थी, वो खिड़की से बाहर एकटक देख रही थी। उसे सोता हुआ जान, उसने अपना चित्रकारी का सामान रखा और तस्वीरें बनाने लगी। एक कलाकार को, एक नवोदित कलाकार को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी पड़ती हैं, जैसे एक किसी नए लेखक को साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे उसने एक घुड़सवार ब्रिजस पहने एक आंख का चश्मा लगाए कि डाकू के गडरिये का चित्र बनाने लगी, उसे कोई आवाज दोहराती सी सुनाई दी। वो चलकर बीमार के बिस्तर के पास आई तो जॉन्सी कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वो उल्टा जप कर रही थी। जॉन्सी ने कहा 12, फिर कुछ देर बाद 11, 10, 9 और फिर एक साथ 8 और 7।
सू ने बड़ी उत्कंठा से खिड़की के बाहर देखा, वहां पर गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक, एक 20 फुट दूर कुछ ईंटों की कोरी दीवार जिस पर एक पुरानी ऐठी हुई जड़े निकली हुई सदाबहार की बेल चढ़ी हुई है। शिशिर की ठंड सांसों ने उस बेल के पत्तों को तोड़ लिया है, कुछ पत्ते बचे हुए हैं। सू ने जॉनसी से पूछा, क्या है जॉनी? जॉनसी ने कहा, छह। अब वो जल्दी जल्दी गिर रही है, 3 दिन पहले करीब 100 हुआ करती थी, गिनते गिनते सर दुखने लगता था, वो एक और गिरी, अब सिर्फ 5 बची है। सू ने पूछा कि 5 क्या? 5 क्या जॉनी, अपनी सू को तो बता। जॉनसी ने कहा, पत्तियां, उस बेल की पत्तियां, जिस दिन वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं भी उसी के साथ चली जाऊंगी। मुझे इस बात का 3 दिन से पता है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सुनने बड़े तिरस्कार भाव से कहा, क्या पागलों जैसी बात कर रही है तू? क्या तू बेवकूफ है? तेरा ठीक होने का संबंध इन पत्तों से कैसा संबंध है? अभी डॉक्टर सुबह ही डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि तेरे ठीक होने की संभावना रुपए में 14 आने हैं, और जब हम न्यूयॉर्क में किसी नई बिल्डिंग के बगल से गुजरते हैं या किसी ऑटो रिक्शा में बैठ के जाते हैं तब भी बचने की संभावना इससे अधिक नहीं होती। तू एक काम कर, ये थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और मुझे ये तस्वीर बनाने दे ताकि मैं इसे संपादक महोदय के हाथों बेच कर अपनी बीमार बच्ची के लिए दवा दारू ला सकूं और अपने पेट के लिए रोटी ला सकूं। जॉनसी ने कहा, मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है, वो एक और गई। नहीं, मुझे इस शोरबे की भी जरूरत नहीं, अब सिर्फ 4 बची। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरता हुआ देख लूं और फिर मैं भी चली जाऊं। सुन आगे, तू क्या पागलों जैसी बात कर रही है? तू ना मुझसे प्रतिज्ञा कर ली, तू उस खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। मैं तो खिड़की बंद कर देती पर मुझे रोशनी की आवश्यकता है इस तस्वीर को बनाने के लिए। ये तस्वीर बना के इसे संपादक महोदय को बेचना है। जॉनसी ने कहा कि क्या तुम ये काम दूसरे कमरे में जाकर नहीं कर सकते? सोने कहा, कर सकती हूँ पर मुझे तेरे पास रहना है और मैं ये भी चाहती हूँ कि तू उस खिड़की से बाहर ना देखे। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करते हुए जॉनसी बोले कि ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना ताकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरता हुआ देख सकूं और उसके साथ ही संसार से अपनी पकड़ को ढीली छोड़कर नीचे 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 पैदल चली जाऊं। सोने की कोशिश कर, मैं जरा एक मजदूर के मॉडल के नीचे बेहरमैन को बुला कर लाती हूँ, तब तक तू हिलना मत। बूढ़ा बेहरमैन जो उनके नीचे के एक कमरे में रहता था, जिसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक थी, वह एक असफल कलाकार था। वह 40 वर्षों से इस क्षेत्र में था। वो जब भी कोई अपनी कृति बनाता, जब भी कोई तस्वीर बनाता तो उसे लगता था कि ये उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, उसकी मास्टरपीस होगी, पर वो ऐसा बना नहीं पाता था। इधर तो कई वर्षों से उसने ये धंधा ही छोड़ दिया था, बस कुछ विज्ञापन के लिए तस्वीरें बनाता था और उन नवोदित कलाकार जो किसी पेशेवर मॉडल को पैसे नहीं दे सकते उनके लिए मॉडल बनकर अपना पेट भरता था। वो जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के बारे में जिसके वो सपने समझता था लोगों से बकवास करता रहता। वैसे वो बहुत खूंखार बूढ़ा था, नम्र व्यक्तियों की जोरदार मजाक उड़ाता था और अपने आप को इन दोनों नवोदित कलाकार सू और जॉनसी का पहरेदार कुत्ता समझता था। सू उसके कमरे में गई तो पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ और वो एक जगह पड़ा हुआ था जहां से बेल की गुठलियों की गंध आ रही थी, बिल्कुल शराब के नशे में धुत वो पड़ा हुआ था। एक कोने में वो कोरा कैनवास पड़ा था जो 25 वर्षों से एक रेखा का अंकन पाने की बाट जो रहा था। सोने उसे जगाया और बताया कि कैसे जॉनसी अपने पत्तों जैसे कोमल शरीर को उन पत्तों के साथ जोड़कर उनके साथ मर जाने की भयभीत कल्पना कर रही है। बेहरमैन ने आंख निकाल कर चिल्लाते हुए बोला, क्या दुनिया में ऐसे मूर्ख अभी भी हैं जो सिर्फ एक पत्ता गिर रहा है उससे अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? तुमने उसके दिमाग में ये बातें आने कैसे दी? तुम जैसे मूर्खों का, तुम जैसे पागलों का तो मैं कभी भी मॉडल ना बनूं। बेचारी जॉनसी। सोने कहा, देखो बूढ़े बेहरमैन,
वो बीमार है और बीमारी में उसके दिमाग में ऐसी कलुषित कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और सुनो, अगर तुम्हें हमारा मॉडल नहीं बनना ना तो मत बनो, हो तो एक उल्लू के पट्टे ही। बेयरमैन ने कहा कि लेकिन तू तो लड़की की लड़की ही रही। मैंने कब कहा कि मैं नहीं बनूंगा? आधे घंटे से तो यही झीक रहा हूं कि चलता हूं, लेकिन एक बात कहूं, ये जगह जॉनसी जैसी अच्छी लड़की के मरने के लायक नहीं है। जिस दिन मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा ना, हम सब यहां से चले चलेंगे, समझी? हाँ। दोनों ऊपर आए तो जॉनसी चद्दर ओढ़े सो रही थी। उसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्होंने खिड़की बंद कर दिया और उस पर पर्दे लगा दिए, और उन्होंने अपना चित्रकारी का सामान उठाकर वो दूसरे कमरे में चले गए। उन्होंने बाहर के नजारे को देखा और फिर भयभीत नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर का नजारा कुछ ऐसा था, बाहर बहुत तेज आंधी, तूफान और बर्फीली बारिश शुरू हो गई। खैर, एक केटली को उल्टा करके उसमें बेहरमैन को बिठाया गया ताकि एक पहाड़ पर बैठे एक मजदूर के मॉडल का चित्र बनाया जा सके, और उसने अपना चित्र बनाया। बेयरमैन नीचे चला गया, सुबी अब सो गई। सुबह उठी तो जॉनसी ने उसे आदेश दिया कि ये खिड़की खोल दे। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोल दिया। उन्होंने बाहर के उस पेड़ की तरफ देखा और आश्चर्य की बात थी, उसमें एक पत्ता अभी भी लगा हुआ था, एक आखिरी पत्ता जो डंठल के पास हरा और किनारों पर झड़ने की आशंका लिए पीला पड़ गया था। जॉनसी ने कहा कि मैंने रात में वो तूफान और आंधियों की आवाज सुनी, मुझे लगा ये भी गिर गया होगा। खैर, कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगा। उस पर झुकती हुई सू बोली कि क्या पागलों जैसी बात कर रही है तू, कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोच, मेरा क्या होगा तेरे बिना। जॉनसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस संसार की सबसे अकेली वस्तु यह आत्मा जब अपनी रहस्यमय लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है ना, तो इस संसार से और मित्रता से बांधने वाले बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और कल्पनाएं उसे जकड़ देती हैं। जॉनसी उसे देखती रही। धीरे धीरे शाम हो गया। क्षीण प्रकाश में भी वो आखिरी पत्ता वहां पर दिख रहा था। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, बारिश फिर से आ गई और पानी की बूंदे, पानी की बौछार अंदर आने लगी, तो उन्होंने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन सुबह फिर से जॉनसी ने बोला कि खिड़की खोल दे, तो उन्होंने खिड़की खोला। दूसरे दिन भी बहुत तेज तूफान आंधी चलने के बावजूद वो आखिरी पत्ता एक लगा हुआ था उसमें। थोड़ी देर जॉनसी से देखती रही, फिर उसने सू को बुलाया जो किचन में मुर्गी का शोरबा बना रही थी। उसे बोला, सू, मैं कितनी खराब लड़की हूं ना, कुदरत की किसी शक्ति ने उस आखिरी पत्ते को वहां पर रोक कर बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूं। ऐसे मरना तो पाप है। तू एक काम कर, तू थोड़ा मेरे लिए वो शोरबा ला दे, उससे पहले मुझे एक शीशा दे दे, और मेरे पीछे ना वो तकिया लगा दे ताकि मैं तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कुछ एक घंटे बाद जॉनसी ने कहा कि सू, मुझे लगता है ना कि मैं एक दिन नेपल्स की खाड़ी का चित्र अवश्य बनाऊंगी। अब जॉनसी के मन में एक जीने की इच्छा जागृत हो गई। शाम को डॉक्टर आया, उन्होंने उसका इलाज किया, तो सू किसी बहाने से जाकर उन्हें बाहर के बरामदे में मिली। डॉक्टर ने सू का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला कि अब इसके जीने की संभावना रुपए में 8 आने हैं, और अगर अच्छी परिचर्या, नर्सिंग अच्छी रही तो तुम्हारी जीत होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो नीचे एक कलाकार है, क्या नाम है उसका, बेहरमैन, बूढ़ा है बेचारा, बहुत कमजोर है, उसको निमोनिया हो गया, बहुत जोर की झपट झपट लगी है, लगता है बचेगा नहीं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। डॉक्टर चले गए। अगले दिन फिर से डॉक्टर आया, उन्होंने देखभाल की और उसे बोला कि देखो, अब दवाओं की भी कोई जरूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तुम्हारी जीत हुई। डॉक्टर को विदा करके सू जॉनसी के पास आई, जो एक कुछ कपड़ा बुन रही थी। जॉनसी कपड़ा बुन रही थी तो उसके बाहों में हाथ डाल बोला, मेरी प्यारी बिल्ली, तुझे पता है
आज सुबह हॉस्पिटल में बूढ़े बिहरमैन की मृत्यु हो गई, निमोनिया हो गया। कोई नहीं जानता वो इतनी बरसात में कहां गया था। दो दिन पहले उसके कमरे में चौकीदार ने उसे तड़पता हुआ पाया था। उसके पूरे कपड़े भीग गए थे, उसके पूरे जूते भीग गए थे। उसके कमरे में एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी और एक फलक पर लगे कुछ हरे और पीले रंग मिले। तो जरा उस खिड़की से बाहर देख, क्या तुझे नहीं लगता कि इतनी आंधी, इतनी तूफान, इतनी बर्फीली बारिश के बाद भी वो आखिरी पत्ता गिरा क्यों नहीं? क्योंकि मेरी प्यारी सखी, यही उस बेहरमैन की उत्कृष्ट कृति है। जिस रात वो आखिरी पत्ता गिरा, उसी रात उसने इस आखिरी पत्ते का निर्माण किया। बूढ़े बेहरमैन ने अपने जान की परवाह किए बगैर उसने एक बच्ची की जान बचाने के लिए उस बरसात में निमोनिया का डर उसे नहीं सताया और वो जाकर उसने पत्ता बनाया। वो एक आखिरी पत्ता जो किसी के लिए एक मास्टरपीस बना, उत्कृष्ट कृति बनी, तो किसी के लिए जीवन।